गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े का नया दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, हम बात कर रहे थे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हमने स्टार्टिंग में देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद हम बात कर रहे थे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कंजुगेशन का जो पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि कंजुगेशन क्या होता है, उसको हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखा था कि कंजुगेशन में क्या क्या होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। तो हमने डिस्कस किया था कंजुगेशन को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, कंजुगेशन होता है, एक क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और एक क्या होता है ट्रांसडक्शन। एक क्या होगा ट्रांसडक्शन। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि कंजुगेशन को हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में कि कंजुगेशन में क्या क्या होता है। सेक्स फाइलस का फॉर्मेशन होता है, कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और जेनेटिक मटेरियल का कैसे एक्सचेंज होता है उस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू, और वो जो डोनर सेल है वो प्लाज्मिड को कैसे ट्रांसफर करती है रेसिपिएंट सेल में, और वहां पे क्या बन जाएगा दोनों में, डोनर में और रेसिपिएंट में ए प्लस सेल, दोनों क्या बन जाएगी ए प्लस सेल और ए प्लस सेल। तो कैसे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ये हमने सारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने डिस्कस किया था कंजुगेशन को। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ये तीनों ही ट्रू टॉपिक है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चाहे मैं कंजुगेशन की बात करूं, चाहे मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, चाहे मैं ट्रांसडक्शन की बात करूं। तो आपको हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि आप चाहे कंपिटेटिव एग्जाम देंगे, आप कोई भी एग्जाम देंगे, आप चाहे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देंगे, तो हर जगह आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंजुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तीनों से हर बार एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आज हम बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप क्या समझते हैं कि कोई इन्वायरमेंट में जो नेकेड डीएनए है वो क्या होगा, वो किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल में क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा। जो नेकेड डीएनए जो हम आंखों से नहीं देख सकते, इन्वायरमेंटल जो ये है हमारा चारों सराउंडिंग्स, इसमें जो डीएनए है वो एक सेल से दूसरे सेल में, जो नेकेड डीएनए है वो क्या होगा, वो होगा ट्रांसफर होगा एक सेल से दूसरे सेल में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ही है, उस पे इन्होंने वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन लेके क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो डीएनए है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस प्रिंसिपल को इन्होंने दिया था, किसको, ट्रांसफॉर्मेशन को, इन 1929 में ग्रिफिथ ने क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को। तो इसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था उसके थ्रू इन्होंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है जो ग्रिफिथ ने बताया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। और इसको हम क्या कराते हैं, लिक्विड मीडियम में ही ये ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो लिक्विड मीडियम में ही कराया जाता है, इन 29 to 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। इसको हम लिक्विड मीडियम में ही कराएंगे और 29 to 32 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में हम इसको प्रोसेस करते हैं, किसको, ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है, इसको हम नेचुरल प्रोसेस भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस भी है। और क्या है कि इस जो भी इन्वायरमेंट में कोई डीएनए है वो नेकेड डीएनए है, वो एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। उस प्योर डीएनए को हम क्या करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं, और वो दूसरे सेल में जाके क्या हो जाएगा, वो डीएनए वो इंटीग्रेट हो जाएगा, जो दूसरे सेल के पास जो डीएनए है उससे जाके क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेट हो जाएगा, वहां पे जाके वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। और इंटीग्रेट हो जाएगा तो उसके बाद उसमें क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो बाइनरी फ्यूजन होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक सेल से दो इक्वल सेल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बैक्टीरियल सेल से वहां पे दो इक्वल सेल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले ग्रिफिथ ने किया था इन 1929 में। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे भी ये क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। वहां पे इन्होंने वायरुलेंट फेज और नॉन वायरुलेंट फेज दिया था, तो
फाज लिया था उसके थ्रू इन्होंने क्या किया था, प्रूव किया था इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को, किसने, ग्रिफिथ ने, इन 1929 में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये बहुत फास्ट भी होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये कल्चर मीडिया में हम इसको बहुत फास्ट भी करा सकते हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स वो होता है हमेशा इन लिक्विड मीडियम में, किसमें होगा, इन लिक्विड मीडियम में होता है। कौन से मीडियम में होगा, ये लिक्विड मीडियम में। और जब ये लिक्विड मीडियम में होता है तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 29 to 32 degrees Celsius तक इसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 29 to 32 degrees Celsius। तो इसको हम किसमें कराएंगे, इन लिक्विड मीडियम में, इन लिक्विड मीडियम में। तो आपको कोई पूछेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो हम कहाँ करेंगे, इन लिक्विड मीडियम में, और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आप क्या रखोगे इसका, 29 to 32 degrees Celsius, इसका ऑप्टिमम क्या रखना पड़ेगा हमें, टेम्परेचर रखना पड़ेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हम करवाते कहाँ है, लिक्विड मीडियम में करवाते हैं, वो लिक्विड मीडियम होगा, कल्चर मीडियम होगा उसमें हम करवाएंगे, और जो टेम्परेचर है वो हम रखेंगे 29 to 32 degrees Celsius, हम क्या रखेंगे इसका, इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का क्या रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे। और सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था ग्रिफिथ, एक साइंटिस्ट था, इसने डिस्कवर किया था इन 1929 में, ये ध्यान रखना, ग्रिफिथ ने ये डिस्कवर किया था ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को इन 1929 में। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल के थ्रू क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था। और एक्सपेरिमेंटल प्रूव अगर कोई चीज हो जाती है तो वो क्या मानी जाती है स्टूडेंट्स, ऑथेंटिक, वो क्या होगी, वो ऑथेंटिक होगी। और एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था किसने, ग्रिफिथ ने, कि डीएनए जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को भी क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली प्रूव किया था किसने, ग्रिफिथ ने, क्या कहता प्रैक्टिकली, लॉजिकल क्या कहता इसने, प्रूव किया था, हाइपोथेटिकल नहीं दिया था, इसने क्या कहता प्रैक्टिकल के थ्रू इसको प्रूव किया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी कोई चीज होती है, वो इन्होंने डिस्कवर किया था इन 1929 में। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई पे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई पे, और किस पे किया था, जो वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट फाज लेके। तो उसकी बात हम नहीं करेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था, हम प्रोसेस देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है और कैसे होता है, आपको एग्जाम में कैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताना है, उसकी बात हम करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि द ट्रांसफर ऑफ प्योर ओर, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते क्या है, द ट्रांसफर ऑफ प्योर और नेट डीएनए, और नेट डीएनए, प्योर और नेट डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनोदर सेल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बहुत सारे डीएनएस है, जो नेट डीएनए है वो प्योर डीएनए है, उनको हम एक सेल, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में क्या हो सकते हैं, वो ट्रांसफर हो सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जब वो एक सेल, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जाएगा, ये मान लो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में कोई डीएनए आ गया तो वो डीएनए क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर, ये मान लो कोई डीएनए है, वो इसमें अपना बैक्टीरिया का क्या है, क्रोमोसोम भी है, और इसके पास क्या है, अपना डीएनए भी है। तो बाहर से अगर एनवायरमेंट से कोई सेल जो है वो क्या कर रहा है, एक सेल से ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे सेल में वो डीएनए, तो वो आके क्या होगा, दूसरी सेल में आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। वो डीएनए क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। मान लो कोई एनवायरमेंट से डीएनए आ रहा है किसी बैक्टीरियल सेल में, तो ये डीएनए इस बैक्टीरियल सेल वाले डीएनए के साथ आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, आके इंटीग्रेट हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और जैसे ये अटैच हो जाएगा तो फिर बाइनरी फ्यूजन होगा इसमें, और बाइनरी फ्यूजन मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, कि एक सेल से वन सेल से क्या बनेगा, टू इक्वल सेल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, टू इक्वल बैक्टीरियल सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ऑटोमेटिक उसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन, उसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। तो क्लियर आपको, कि द ट्रांसफर ऑफ प्योर और नेट डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन।
या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि कोई जो डीएनए है, जो इन्वायरमेंट से कोई डीएनए आ रहा है किसी बैक्टीरियल सेल में, वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये मान लो डीएनए ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल का अपना क्रोमोसोम है और ये बैक्टीरिया का क्या अपना डीएनए है, तो ये जो बाहर वाला डीएनए है ये इस डीएनए इस बैक्टीरिया में क्या करेगा, इस बैक्टीरिया में एंट्री करेगा और ये जो बैक्टीरिया का डीएनए इस बैक्टीरिया के साथ ये डीएनए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो उसके बाद इसमें क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा, और बाइनरी फ्यूजन होगा तो वहां पे वन सेल इक्वली डिवाइड हो जाएगी टू सेल्स में, क्यों, और फिर क्या हो जाएगा वहां पे दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, तो वहां पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्या हो रहा है वहां पे, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये नेचुरल प्रोसेस भी हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है और ये बहुत फास्ट होता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये बहुत फास्ट होती है और फास्ट प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं फास्ट प्रोसेस है ये। अगर आप लिक्विड मीडिया में इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को कराते हैं तो ये क्या होगी, फास्ट प्रोसेस होगी, और ये कल्चर मीडिया में क्या होगा, 10 टू 15 मिनट्स में क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, 10 टू 15 मिनट्स में क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये 2 आवर्स में पूरा प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्मेशन का है ये कंप्लीट हो जाएगा इन लैब में। इन लैब में अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को अंजाम देते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो हम किस में कराएंगे, लेबोरेटरी में, लिक्विड मीडिया में कराएंगे, और लिक्विड मीडिया में करवाएंगे तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। अगर फास्ट प्रोसेस क्या है कि किसी कल्चर मीडिया लिक्विड मीडियम में हम कराएंगे इसको, तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, आप इसको लिक्विड मीडियम में कराएंगे और ये 10 से 15 मिनट में क्या हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है और 2 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, फास्ट प्रोसेस, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट में स्टार्ट होगा और 2 घंटे के अंदर पूरा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा किसी कल्चर मीडिया या लिक्विड मीडिया में। तो इसको हम बोलते हैं कि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है और इसका जो टेम्परेचर है वो हम रखते हैं 29 to 32 degrees Celsius टेम्परेचर पे ही क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। सबसे पहले ग्रिफिथ ने इसको क्या किया था, इसको ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली प्रूव किया था इन 1929 में कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी कोई चीज होती है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, द ट्रांसफर ऑफ प्योर और नेकेड डीएनए, जो नेकेड डीएनए वो एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वो दूसरी सेल में जाके क्या होगा, वहां पे उस दूसरे वाले डीएनए के साथ जाके वो डीएनए इंटीग्रेट हो जाएगा और वहां उसमें क्या होगा, फिर बाइनरी फ्यूजन होगा और वो वन सेल डिवाइड होगी, आगे 2 equal डॉटर सेल में क्या हो जाएगा, उसका डिवाइडेशन हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, वो रिप्रोडक्शन, वहां पे क्या हो रहा है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम डायग्रामेटिक वैसे भी समझेगी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है, डीएनए कैसे इंटर करता है और कैसे जाके वहां पे दूसरे डीएनए दूसरे सेल्स के साथ वो जाके इंटीग्रेट करता है। तो उसका पूरा प्रोसेस है, पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम इसका कि डीएनए इन्वायरमेंट से या बाहर से कैसे आ रहा है, वो एक्सोजीनस डीएनए कैसे आ रहा है और वो कैसे दूसरे बैक्टीरियल सेल में इंटर कर रहा है और वहां जाके वो इंटीग्रेट हो रहा है और वो कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सपेरिमेंट, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लियर है क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम लिक्विड मीडियम में करा सकते हैं, टेम्परेचर हम रखते हैं 29 to 32 degrees Celsius और ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। अगर किसी कल्चर या लिक्विड मीडियम में हम करा रहे हैं तो 10 से 15 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा और 2 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे पहले इसको ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली प्रूव किया था इन 1929 में। और इसमें क्या करते हैं कि नेकेड डीएनए क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो थैंक्स, आगे हम नेक्स्ट में बात करेंगे।